ओके तो भाई लोग, क्या तुमने कॉफी विद करण के सीजन 8 का पहला एपिसोड देखा? आई मीन ये बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है इंटरनेट पे, इसके काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं, साथ ही में उनके पॉजिटिव पीआर्स भी चल रहे हैं, ताकि जो हेट इंटरनेट पे इवॉल्व हो रही है उसको जैसे तैसे कम किया जाए। बट तुम लोग जानते हो लौंडे कितने ज्यादा हरामी है, पुरानी से पुरानी क्लिप्स निकाल कर दिखा देते हैं जहाँ पे एक्ट्रेस के काफी सारे लव इंटरेस्ट की इमेजेस शेयर की जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर क्रिकेटर्स, एक्टर्स एंड और भी काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें ये बात बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आती है कि जो भी उन एक्टर और उन एक्ट्रेस ने कहा उस शो पे, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। आई मीन तुम्हारे मेरे लिए इतना नॉर्मल नहीं हुआ कि तुम अपने पार्टनर के सामने अपने पास्ट के लव इंटरेस्ट को इतना ओपनली एक्सेप्ट करो एंड उन्हें बताओ कि कैसे तुम अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी उन लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे थे एंड कैसे तुमने उनके साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की या नहीं भी कोशिश की तो उनमें इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ पे ये वही वाली बात हो जाती है कि मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, मेरा शरीर किसी के साथ रहे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारा ही हूँ या तुम्हारी हूँ, बेतुका सा साउंड करता है ना, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। लेकिन बॉलीवुड में, वेस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, तो इस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल का रहता है। जहाँ मैं लक्ष्य भाई की बात को रिपीट करते हुए कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि तुम्हें और लोगों में इंटरेस्ट आता रहता है एक परमानेंट पर्सन के साथ रहते हुए भी, तो तुम्हें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हें और लोगों में इंटरेस्ट आता है, तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम और लोगों को पसंद कर सकते हो एक पर्सन के साथ रहते हुए भी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आमतौर की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हाँ, बस फ़र्क ये है कि कोई नॉर्मल पर्सन ऐसे इंटरनेट पे आकर नहीं बताता है कि हाँ भाई मेरा इतने लोगों के साथ लव इंटरेस्ट रहा है, या मैं अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी इतने सारे लोगों के साथ रहा हूँ, उनको चेकआउट किया है, उनसे मिला हूँ, उनके साथ घुमा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की कोई भी ऐसी बात नहीं है सोशल मीडिया के आने के बाद जो कि छुप सकी हो। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भाई, मतलब वो ऐसा सीन हो जाता ना कि तुम क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, सबको पता रहता है। सबको पता रहता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा एक्टर किस जगह पे क्या कर रहा है, एक्टर किस जगह पे कौन सी मूवी बना रहा है, लोगों को सब पता रहता है जब से सोशल मीडिया है। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि एक्टर्स को वो सारी चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए जो कि उनकी पर्सनल है। एंड इसी में मैं दाद देना चाहूँगा करण जौहर को, जो कि इतना दम रखते हैं कि भाई लाकर बॉलीवुड की असलियत को सामने रख सकें कि भाई तुम देखो जिसको तुम इतना एडमायर करते हो, जिसकी फ़ोटोज़ लगाते हो, जिसको तुम लवली कपल करके बुलाते हो, उनकी असली सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे वो कैसे दिखते हैं। समय बस उस एक्टर के बारे में सोचा हूँ कि भाई उस पर क्या बीत रही होगी। आई मीन हो सकता है कि एक्ट्रेस ने पहले भी वो चीज़ें एक्सप्रेस की हो उनके सामने, लेकिन इस तरह से ओपनली किसी के सामने कभी उसके बारे में बात नहीं की होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमें भी ये अभी ही पता चला है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है कि जब कोई चीज़ सिर्फ तुम्हें पता है तो तुम उसको अपने आप तक रख सकते हो, बट वो सबको पता है तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे, ये भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत कुछ कह दिया मैंने एंड मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं इसको ख़त्म कैसे करूँ। तो मैं इस वीडियो को बस यही कहकर ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर तुम ऐसा ही व्यक्तित्व रखते हो तो इसको स्वीकार कर लो। किसी को अंधेरे में रखना, किसी के साथ ऐसा कुछ करना जिससे वो इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए और एक्सप्रेस ना कर पाए, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी भी बॉलीवुड कपल के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जाओगे कि उनके किसी भी स्टेटमेंट में तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम।